हेलो, मेरा नाम कुणाल मंडल है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मुझे आज से अराउंड 2 साल से थोड़ा ज़्यादा का टाइम पहले 14th of July 2018 को मुझे पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी डायग्नोस्ट हुई। तब मेरी एमाइलेज लाइपेज लेवल्स नॉर्मल से बहुत ज़्यादा थी। तो पैंक्रियाटाइटिस होने के कुछ दिन बाद से मतलब मेरा डाइट बहुत कम होना शुरू हो गया। मतलब बहुत मैल न्यूट्रिशन मुझे धीरे धीरे मतलब मुझे बहुत इफेक्ट करना शुरू कर दिया मेरे हेल्थ पे। मेरी मेरी बहुत वेट लॉस हो गई अराउंड 10 kgs के करीब। तो ऐसा करते करते अराउंड 2 साल का टाइम निकल गया। उसके बाद मुझे फेब्रुअरी 1 2020 से मुझे अचानक लेफ्ट आई में थोड़ा सा विजन लॉस महसूस हुआ। तो तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो अराउंड अ मंथ बाद मार्च के बिगनिंग में मैंने वहाँ कोलकाता के ही बहुत सारे दो तीन लोकल बहुत बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दिए लेकिन वो काम नहीं हुए। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट्स करवाए, वो भी करने के बाद मुझे फिर से मेडिसिन्स चेंज करके फिर से दिए लेकिन काम नहीं हुए। ऐसा करते करते फिर COVID-19 का ज़माना शुरू हो गया। फिर लॉकडाउन की वजह से बहुत दिन मेरा वेस्ट हो गया, मेरा बीमारी और बढ़ता रहा। और मार्च के एंड तक मेरा लेफ्ट आई पूरा जा चुका था और तब तक राइट आई पूरा नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही लेफ्ट आई गया, राइट आई जाना थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो गया। तो फिर लॉकडाउन के 3 महीने में मेरा राइट आई धीरे धीरे करते करते कमता रहा विजन। और ऐसा करते करते जैसे ही फ्लाइट्स चालू हुए तो मैं LV प्रसाद हैदराबाद में गया। तो उन्होंने डायग्नोज किया कि मुझे ऑप्टिक नर्व एट्रोफी की बीमारी है। तो उन्होंने बहुत सारे मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब किए। तो मैंने वापस हैदराबाद से कोलकाता घर जाने के बाद एडमिट होकर वो सारे इंजेक्शंस दिए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में देने के बाद अराउंड 1 महीना का टाइम निकल गया लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट तो था नहीं, उल्टा और ज़्यादा धीरे धीरे विजन लॉस होती चली गई। ऐसा करते करते फिर मुझे एक दिन अचानक मेरी मम्मी मेरे बीमारी के बारे में नेट पे सर्च करते करते पता चला कि कोई स्टेम सेल थेरेपी होती है जिससे ये इम्प्रूव कर सकता है। तो फिर मैंने स्टेम सेल केयर इंडिया के बारे में सुना और मैं यहाँ के एक आदिल नाम के एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मुझे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, आप अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ऐसा करते करते मैंने फिर अपनी रिपोर्ट्स भेजी। फिर मैं उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ, ये हो सकता है, आप आके एडमिट हों। तो फिर 3rd of October उन्होंने डेट दिया और मैं आके आज एडमिट हो गया। यही मेरी कहानी है बस, और क्या बोलूँ। ओके, थैंक यू।